हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी क्या है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम आवर्त सारणी को याद करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, उन्हें याद रखने का ट्रिक, उन्हें कैसे याद रखा जाए, इन सब की बात करेंगे। बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, साथ ही फिजिक्स, बायोलॉजी या कई सब्जेक्ट में भी इनकी जरूरत पड़ती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आगे चलकर साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो इसे समझना या याद रखना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसे इजी से इजी और फनी ट्रिक्स से याद करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले जानते हैं कि आवर्त सारणी के फादर कौन हैं। तो आवर्त सारणी के फादर मेंडलीफ को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही आवर्त सारणी बनाई थी, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। उसके बाद मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया और आधुनिक आवर्त सारणी के फादर मोसले को ही कहा जाता है। आज की डेट में आधुनिक आवर्त सारणी का ही यूज होता है, इसीलिए हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किस तरह की दिखाई देती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, यानी कि पृथ्वी पर अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन्हीं तत्वों से ही पृथ्वी पर उपस्थित हर एक चीज जो दिखाई देते हैं, जो आपके आसपास है, इन्हीं सब तत्वों से ही मिलकर बने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। साथ ही इन ब्लॉकों को कई कॉलम में बांटा गया है, जैसे दाएं से बाएं वाले कॉलम को आवर्त बोला जाता है तथा ऊपर से नीचे वाले कॉलम को वर्ग बोला जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। अब आपको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व, 4 ब्लॉक SPDF, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। तो चलिए एस ब्लॉक को याद करते हैं। एस ब्लॉक में पहले वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। इन्हें याद करने का ट्रिक है लीना की रब से फरियाद, जहां है लीना को तीन भागों में तोड़ दिया है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रूबीडियम, से आता है सीजियम और फरियाद का फ्रांसियम। इस प्रकार आप ऊपर से नीचे एक सेंटेंस याद करके इन तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसका दूसरा ट्रिक है हमारे लिए ना करो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इस प्रकार एस ब्लॉक का पहला वर्ग आपको याद हो गया। इसी प्रकार दूसरे वर्ग को भी याद करते हैं। इसका सबसे फेमस ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जहां बेटा मतलब BE बेरिलियम, मांगे यानी कि MG मैग्नीशियम, कार यानी CA कैल्शियम, स्कूटर यानी SR या स्ट्रॉन्टियम और बाप यानी कि बेरियम और राजी से रेडियम। इस प्रकार आप एस ब्लॉक को आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तत्वों का परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें, इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। चलिए अब पी ब्लॉक को याद करते हैं। पी ब्लॉक वर्ग 13 से चालू होता है और वर्ग 18 में खत्म होता है। तो पी ब्लॉक का पहला वर्ग वर्ग 13 को याद करते हैं। इसमें आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसका ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, जहाँ बैंगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन से इंडियम और थैली से थैलियम। इसी प्रकार अगला वर्ग, इसे याद रखने का ट्रिक है काशी, काशी गए संत प्रभु, या फिर इसका एक और ट्रिक है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है या फिर ये भी आपको समझ नहीं आया तो एक और ट्रिक है इसका कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। चलिए ये भी समझ नहीं आता तो एक और ट्रिक बताते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इनमें से जो भी ट्रिक आपको सरल लगता है उससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग 15 को याद रखने का ट्रिक, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत आते हैं, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं न्यूज पेपर आज सब बिक गए, न्यूज से N, पेपर से P, आज का AS सब का SB और BI से बिक गए। या फिर इसका एक और ट्रिक है नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब बीमार। वर्ग 16 को याद कैसे करें, तो इसके लिए ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से TPO, यानी कि पुराने स्टाइल से चाय पीना है, ओल्ड स्टाइल से TPO। या फिर ये भी समझ नहीं आता तो एक और ट्रिक है ओ से आप किसी का नाम याद रख सकते हैं जो आपको याद है, या फिर आपके टीचर का, किसी टीचर का ओ से नाम शुरू होता है, उनका नाम जोड़ सकते हैं, जैसे ओम सर से तेरे को पिटवाऊंगा, ओम का ओ हो गया यानी कि ऑक्सीजन, सर का एस हो गया सल्फर, से का SE तेरे को TE और पिटवाऊंगा PO।
इस प्रकार आप इसको भी आसानी से याद कर लेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद 17वां वर्ग, इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटिन। इसे याद रखने का ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ओए। या फिर कल बाहर आएगा ऑटो। इस ट्रिक से यह भी याद हो गया। फिर पी ब्लॉक का लास्ट और 18वां वर्ग है, जिसे हम नोबल गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन गैस आते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं हीना, नीना और करीना, जी रनिंग, या फिर हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस प्रकार अब आपका पी ब्लॉक भी आसानी से याद हो गया। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। चलिए अब डी ब्लॉक की ओर चलते हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक होता है वर्ग 3 से वर्ग 12 तक। इसे हम आवर्त में याद करेंगे, यानी कि बाएं से दाएं। तो डी ब्लॉक चौथे आवर्त से शुरू होता है। तो चौथा आवर्त को याद करने का ट्रिक है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कूड़ा जनाब। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कूड़ा जनाब। मारो मुझे, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जहाँ सस्ती से स्कैंडियम और टाइटेनियम आ जाते हैं, वाली यानी वेनेडियम, कार से क्रोमियम, में से मैग्नीज, फेको से एफी यानी आयरन और कोबाल्ट, नहीं से निकिल, कूड़ा कसीयू कॉपर और जनाब का जेड एंड जिंक। इसका एक और ट्रिक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इससे भी आप इसे याद कर सकते हैं। आपके लिए हमने एक और ट्रिक खोज कर निकाला है, उसे भी सुनिए। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। बड़ा हरामी हो बेटा। सुनो से एस सी, तुम टी आई, विवाह वी, कर लो सी आर, मुझसे एम एन, फिर एफ ई, कोई सी ओ, नहीं निकिल एन आई, कहेगा सी यू और जानू का जेड एन। चलिए पांचवी आवर्त को याद करते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाओ। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाओ। जहाँ यारी से वाई, जरा से जेड आर, निभाना का एन बी, मौत का एम ओ, तक से टी सी, रुकावट का आर यू, राह में आर एच, पड़े पी डी, आगे से ए जी और कूद जाओ से सी डी। इसका सेकेंड ट्रिक है, वाई जरनब, जरनब एक लड़के का नाम है, वाई जरनब, मुंह तक रियो रे, पढ़ ए जी सी डी। वाई जरनब मुंह तक रियो रे, पढ़ ए जी सी डी, यानी कि जरनब मुंह क्यों देख रहे हो, ए जी सी डी पढ़ो। यहाँ ए बी सी डी की जगह में ए जी सी डी किया गया है। या फिर आपके लिए हम एक और बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं, ये जान नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो के पुकारेगी आज चांद को। भाई बस हा? आज बहुत झोका झोकी हो गई, अभी और ज्यादा हंसने की ताकत नहीं है भाई। जहाँ ये से वाई, जान से जेड और, नहीं से एन बी, मोहब्बत का एम ओ, तेरी से टी सी, रो का आर यू, एक और रो का आर एच, पुकारेगी का पी डी, आज से ए जी और चांद को सी डी। चलिए आवर्त छठवें को याद करते हैं। इसका ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। लास लेंथेनम, हफ्ता का एच एफ और टी ए, वरना डब्लू, रे का आर ई, उससे ओ एस, ऑस्मियम, आयरन रॉड या आयरन से आई आर, पिटाई पी टी, और का ए यू, गोल्ड और होगी एच जी, मरकरी। इसी प्रकार सातवें आवर्त को याद रखने का ट्रिक, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत।
You serious? दूसरा, रॉबर्ट गया कहाँ? रदरफोर्ड डूब गया सागर में भाई, हंस मत। दूसरा, रॉबर्ट गया कहाँ? रदरफोर्ड से आरएफ डूब गया का डीबी, सागर में एसजी भाई बीएच, हंस का एचएस मत एमटी। दूसरा, डीएस रॉबर्ट गया आरजी कहाँ का सीएन। इस ट्रिक में एक्टिनियम को नहीं लिया गया है क्योंकि एक्टिनियम को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि एफ ब्लॉक सबसे नीचे है और एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक से ही अलग किया गया है, यानी कि लेंथेनम और एक्टिनम के बाद एफ ब्लॉक चालू हो जाता है और दोनों में 14 एलिमेंट्स आते हैं। इन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं। चलिए इन्हें भी याद करते हैं। लेंथेनाइड्स को याद करने का ट्रिक है, सीने पर नदियां प्रेम की, समाई यूं ही गदगद, तब दिल हो गया अरे तुम ये भी लूट लो। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये क्या है? जहां सीने से सी ई, पर से पी आर, नदियां का एन डी, प्रेम की पी एम, समाई एस एम, यू का ई यू, गदगद का जी डी, तब टी बी, दिल का डी वाई, हो गया का एच ओ, अरे से ई आर, तुम का टी एम, ये भी का वाई बी, लूट लो एल बी। इसका एक और ट्रिक हमने निकाला है, लानत है सीमा प्रीति एंड प्रेम तुम पर, समर की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हुई और तुम यहाँ लौटाए। इस प्रकार आप पूरे लेंथेनाइड्स को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट एक्टिनाइड्स को याद करते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, तावे पर उसकी नजर पड़ी, आसमां चमकी बिजली कड़की, एहसान फरामोश फरामोश, निकली लड़की। तावे का टी एच, पर पी ए, उसकी यू, नजर एन पी, पड़ी पी यू, आसमा ए एम, चमकी सी एम, बिजली बी के, कड़की सी एफ, एहसान ई एस, फरामोश एफ एम और एम डी, निकली एन ओ, लड़की एल आर। बोनस में एक और ट्रिक सीख लीजिए, इसमें हम इसे तीन पार्ट में या तीन सेंटेंस में डिवाइड करेंगे। जैसे, अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, एनपी तक यहाँ हम लोग का कंप्लीट। फिर इसके आगे दूसरा सेंटेंस, पुराने आम कम बिकेंगे, बिकेंगे यानी बीके तक कंप्लीट। इसके बाद तीसरा सेंटेंस, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। चलिए आज आप आवर्त सारणी याद कर ही लीजिए। एक और ट्रिक सुनिए, एक था पागल उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया, एक का एसी, था का टी एच, पागल से पी ए, उसने का यू यूरेनियम, ना का एन पी, पा का पी यू, अमेरिका का ए एम, सेंटीमीटर का सी एम, बाकी का बी के, कैलिफोर्निया का सी एफ, स्टेट का ई एस, फालतू का एफ एम, मे का एम डी, नाप का एन ओ और लिया का एल आर। अब आप एफ ब्लॉक को भी बहुत आसानी से याद कर चुके हैं, ये याद कर सकते हैं। 110 से 118 के बीच के तत्व ना के बराबर यूज होते हैं और ना के बराबर ही ये अर्थ पर पाए जाते हैं। इनके बारे में बहुत कम ही डिस्कवरी हुई है, इसलिए इन्हें पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको चारों ब्लॉक याद हो चुके हैं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अगर समझ नहीं आता, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो वीडियो को बार बार देखिए, दोबारा देखिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट में लिखें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको इससे हेल्प मिली या नहीं, उसे भी कमेंट में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।